नमस्कार दोस्तों करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है 3 ऑफ नवंबर 2023 फ्राइडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बड़वा कल क्या-क्या एक्टिविटीज -क्या? हुआ है एंड उसको प्राइस एक्शंस पे कैसे इंपैक्ट आया उसके लिए चार्ट में चलते हैं तो डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स में यहां पे क्या हुआ ये जो रेंज है दैट मींस ऑन द हायर साइड 106.80

और थोड़ा क्लैरिटी आएगा हालांकि मेजर कुछ एक्सपेक्टेशंस या चेंजेस नहीं है क्योंकि फेड का जो पॉलिसी रेट डिसीशंस ऑलरेडी क्लियर हो चुका है अभी सिर्फ हमें जो डॉटेड लाइंस को कनेक्ट करना है क्या है डॉटेड लाइंस कि रेट हाइक और फर्दर होगा नहीं होगा या नेक्स्ट जून या सितंबर 2024 के बाद क्या रेट कट करना चालू करेंगे ऑल डॉटेड जितना भी डॉटेड लाइन्स है उस डॉटेड लाइन्स को कनेक्ट करने का काम चलेगा एन so, पे बेसिकली किसी को हवा नहीं है कब रेट काट करेगा कब रेट काट नहीं करेगा तो यहाँ पे जो गिवन डेटा आते हैं उसी डेटा के ऊपर कोई एक तरफ का इंटरप्रिटेशन लाएगा कोई दूसरे तरफ का इंटरप्रिटेशन लाएगा इन बिटवीन फेड गवर्नर्स कोई स्टेटमेंट दे देंगे एक गवर्नर दूसरा गवर्नर आके दूसरा कुछ बोलेंगे एंड उसका जो डॉटेड लाइन को फिर अपने हिसाब से ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे सो एन अटेम्प्ट अटम्प्ट टूडे आफ्टर दी डेटा तो यहाँ पे आशा ये करता हूं कि ये नीचे की तरफ स्ट्रोंग

एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड डॉलर इंडेक्स टेन ईयर यूएस टेन ईयर ट्रेजरी यूएस टेन ईयर ट्रेजरी आप देखो कि यहाँ पे जब कैंडल था ऑन ट्वेंटी अक्टूबर ट्वेंटी अक्टूबर एंड सो ऑन तो यहाँ पे एक फर्स्ट इंडिकेशंस दिया था कि लोअर हाई वही लोअर हाई बनाया था लेकिन लोअर लो कन्फर्म एक्सक्यूज मी कन्फर्म नहीं किया था केस ये अभी आपका फर्स्ट नवंबर एंड सेकेंड नोवर फर्स्ट नोवर को लोअर लो बनाया and कल November को और भी उसका कॉन्फर्मेशन दिया दैट यहाँ पे एक अच्छा खासा नेगेटिविटी है सो so, आने वाले दिनों में आशा करते हैं कि ये कॉन्टीन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में आ जाए अभी भी मंथली एंड

देन टू ईयर ट्रेजरी क्लोज नहीं देना है अगर क्लोज दे देता है तो क्या होगा एक डिसरप्शन इन द एग्जिस्टिंग पैटर्न्स तो मार्केट थोड़ा पगलिया जाएगा मींस क्या करूं ऊपर जाऊं नीचे जाऊं साइडवेज दोनों तरफ घूमता रहूं उस स्टेप का एक ट्रेंडेड एक ट्रेंडेड फैशन में अगर कंटीन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो बनाते रहे तो एक ऑर्डर रहता है अभी आपका यहां पर भी मंथली जो है अबव 60 में है बट आपका जो आ,

जब तक साइडवेज कंसोलिडेशन है हम इंतजार करेंगे एक बार इंतजार का बात कभी ना कभी तो ये आइजर साइड ब्रेकआउट देगा क्या ये ऊपर की तरफ देगा या नीचे की तरफ देगा वही हमें देखना है नीचे की तरफ के लिए क्या ह्यूज इनफ्लोस पाइपलाइन में कभी पांच बिलियन कभी दस बिलियन कभी आठ बिलियन कभी सात बिलियन ऐसा कुछ पाइपलाइन में है

नंबर है उसके तरफ लाने का प्रयास कर रहा है यहाँ पे ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन इन बिटवीन 1.2050 एंड 1.2350 ये तीन बीघे के अंदर में ही मार्केट प्राइस एक्शन बिहेव कर रहा है एक बार उसको इस जोन के बाहर निकल दे निकलने देते उसके बाद कुछ सोचेंगे जीबीपी आई एन आर सी साइडवेज कंसोलिडेशन इन बिटवीन हंड्रेड एंड हंड्रेड 2.5070 इसके बीच में ही कंसोलिडेट करें कंसोलिडेट करने देते हैं एक बार निकल जाए साइड उसके बाद सोचेंगे यूरो डॉलर अभी है 1.0626 यहां पे एक जो हायर लो फॉर्मेशंस बनाया हुआ है अभी हमें ये जो 24th अक्टूबर का हाई है उसके ऊपर स्ट्रांग क्लोज देना है अगर इसको हायर हाई हायर लो बनाना है

अक्टूबर uh, का जो कैंडल है इसके अंदर में ही दो दिन का प्राइस एक्शन हुआ है क्योंकि ये ह्यूज कैंडल है तो अभी बेसिकली मार्केट बीओजे का स्टैंड को क्लेरिफाई कर रहे हैं एक बार क्लैरिटी मिल जाए उसके बाद ही फर्दर एक्शन होने वाला है INR में भी सिमिलरली ये जो आपका थर्टी फर्स्ट अक्टूबर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ है उसके बाद दो बैक टू तो बैक इनसाइड बार दिया हुआ है अभी प्राइस एक्शन को इस कैंडल के बाहर निकलना है उसके बाद ही क्लेरिटी मिलेगा डॉलर के भी 1.3740 ये 1.385060 लेवल पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे आ चुका है जैसे कि आप देखोगे हमारा फर्स्ट नवंबर का प्री मार्केट एनालिसिस वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन था क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा एंड विद एन एक्सेप्शन क्या एक्सेप्शन था 31st अक्टूबर के लो के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करते हैं ये येट कर सकता है कर सकता या नहीं ओसी डॉलर ओसी डॉलर में ये तीन चार बार फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है बनाने के बाद ऊपर जा रहा है अभी यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन हो चुका है कि कंसोलिडेशन से बाहर आने देते हैं उसके बाद ही इसका एनालिसिस करेंगे और सी एन एच सेवन पॉइंट थ्री वन सिक्स जीरो वही घिसा पिटा डायलॉग क्या पी को अपना हट छोड़ना पड़ेगा या चाइनीज इकोनॉमी को स्टार्ट मींस फंक्शन मींस गिविंग बेटर रिजल्ट्स वो करना पड़ेगा दोनों में से कौन पहले क्या करते हैं वही देखना है ब्रेंट क्रोट एट्टी आपका कल के दिन एक अच्छा खासा पिन बार बनाया हुआ है हैमर कैंडल जिसको बोलते हैं एट द बॉटम सो अभी प्राइस जो है थोड़ा सा ये आपका दोबारा 87 के ऊपर आ चुका है हमारा तीन लेवल था सपोर्ट में एक 87 था दूसरा वाला नए एटी था एंड रेजिस्टेंस में 94 था अभी ये इस सपोर्ट लेवल पे एक स्ट्रांग पिन बार बनाया हुआ है कीपिंग द लो ऑफ दिस पिन बार कैंडल दैट मींस हैमर कैंडल इज द स्टॉप लॉस वी कैन ट्राई मींस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की ट्रेंड कोड ये जो फ्यूचर का चार्ट है मे मूव टुवर्ड्स 90 90.50 और यूएस टू टेन ईयर एंड 2 ईयर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एट द स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशंस सो

ब्रेकआउट करे इसका मेन कारण क्या है 14 जुलाई से काफी एक डाउनफॉल आया है यूरो डॉलर यहाँ पे ये भी एक कंसोलिडेशन कर रहा है विथ ए हायर हाई हायर लो मोड अभी ये 24 अक्टूबर का हाई को तोड़ना है उसके बाद ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर चलेगा तभी ये रेंज के बाहर आ जाएगा एंड प्राइस विल स्टार्ट मूविंग हायर डॉलर इन वन कल और परसों दो कैंडल प्राइस एक्शन का जो कैंडल्स बना हुआ है वो 31st अक्टूबर का जो मदर कैंडल है उसके अंदर में ही बनाया हुआ है अभी बाजार यानी मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या देख रहे हैं बीओजे का स्टैंड ये कैंडल इंडिकेट वही कर रहा है कि प्राइस उसके अंदर में मूव कर रहा है यानी क्लेरिटी मार्केट इज आस्किंग फॉर ये क्लेरिटी के बाद यानी क्लेरिटी का मतलब ये अभी तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा ये देखना है अभी खतरनाक चीज यही होगा आज या आने वाले दिनों में मीन्स मंडे ऑनवर्ड्स आज का फ्राइडे है मंडे ऑनवर्ड्स अगर ये थर्टी फर्स्ट अक्टूबर का जो कैंडल है इसको अगर नीचे के तरफ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं इन सच ए केस डॉलर येन में एक अच्छा खासा डेप्रिसिएशन आ सकता है यानी येन में एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन सकता है इसके नीचे strong negative candle के साथ अगर close देता है, आज हो, या, next Monday onwards, तो येन में एक appreciation हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर रूपी ऑलरेडी डिस्कस्ड साइडवेज कंसोलिडेशन नथिंग न्यू सेम कॉपी पेस्ट सो वी नीड टू वेट एंड वॉच ऑन हायर साइड इनविजिबल हैंड्स एंड ऑन द लोअर साइड सो

have a great day ahead